बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी फूड्स कुकिंग इन इजी वे। आज की रेसिपी हमारी वेज ब्रेड की है, तो वेज ब्रेड बेक करेंगे घर पे बगैर ओवन के, बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल बेकरी स्टाइल। 3 से 4 चम्मच पानी लेके तो उसमें यीस्ट भिगो दिए, ये यीस्ट, और 1 ही टीस्पून मैंने इसमें चीनी डाल दी है। तो जब ये राइस हो जाती है, यीस्ट एक्टिवेट हो जाती है, तो इसमें ऊपर जाला सा बन जाता है। तो इसकी एक है डेट चेक करके इस्तेमाल करना चाहिए, एक्सपायर हो तो वो फिर बिल्कुल हमारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो इसको साइड पे कर देते हैं फिलहाल। 1 कटोरी यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, मैदा ये तकरीबन कोई 200 ग्राम होगा। तो इसको यहाँ छन्नी में छान लेते हैं इस्तेमाल से पहले। मैदे को छान लेते हैं। मैदे में 1/2 टीस्पून नमक का शामिल कर देते हैं और 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल। अब यहाँ पे एक अंडा लिया है मैंने और अंडे को तोड़ लिया है। थोड़ी गर्मी शुरू हो गई है तो अंडे को अलग से तोड़ के चेक कर लेना चाहिए। और चम्मच के साथ मैं अंडा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा अंडा हमने इसमें से बचाना है जो एग ब्रश करने के काम आएगा। बेकरी से जो हम बंद ब्रेड लाते हैं वो खूबसूरत सा जो कलर होता है उस पर, वही कलर लाने के लिए। अंडा डालने के बाद यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने दही की ली है, और दही जो है वो फ्रिज में था तो थोड़ी देर पहले मैंने बाहर निकाल दिया था ताकि ज़्यादा ठंडा ना हो। तो अब इसकी डो तैयार करेंगे, और सबसे पहले ये जो यीस्ट हमने भिगोई है सबसे पहले ये डालेंगे। तो चम्मच की मदद से शुरू में मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद जितना पानी चाहिए वो थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करके तो डो तैयार कर लेंगे। ये जिस पानी में भिगोई थी वो पानी डाला है और अंडा डाला है, और इसके बाद देखिए अभी मैंने गूंदने के लिए पानी इस्तेमाल नहीं किया तो डो हमारी इस पोजिशन में, तो इसका मतलब है पानी बहुत कम इस्तेमाल होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी इस्तेमाल करेंगे ताकि एकदम ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए डो, और फिर आटे की तरह गूंद लेंगे। बिल्कुल जिस तरह से आटा गूंदते हैं उसी तरह से हमने इसे गूंद देना है, एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेनी है। दही हमने डाला है, अंडा डाला है, तो इससे डो हमारी बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट तैयार होगी। डो माशाल्लाह से हमारी तैयार हो गई है और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। अब इसे 1-1.5 घंटे के लिए रेस्ट देंगे, इसे राइस होने के लिए बाउल के नीचे इसी बाउल पे यहाँ पे ऑयल लगा के, और ऊपर से भी ऑयल वाले हाथ लगा देंगे इसे ताकि खुश्क ना हो, सिकड़ी ना जमे, और ऊपर से कवर करके रख देंगे इसे 1-1.5 घंटे के लिए। वेज ब्रेड के लिए डो को हमने रेस्ट दिया था राइस होने के लिए, तो माशाल्लाह से डो साइज़ में डबल हो गई है, बल्कि डबल से भी ज़्यादा हो गई है। तो अब इसे पंच करके एयर रिमूव करनी है हमें। डो को मैंने यहाँ पे बोर्ड पे एक रोल की शेप में या किसी तरह से भी फैला के अब इसके पोर्शंस कर लेंगे। डो के पोर्शंस कर लिए थे मैंने, और अब उसमें से एक पोर्शन लेके, एक छोटा सा पेड़ा लेके इसे मैंने बेल लिया, और ये मैंने वेजिटेबल्स जो हैं वो लेके, इसमें शिमला मिर्च है, गाजर है और बंद गोभी है, इनको मैंने फ्राई कर लिया है नमक और काली मिर्च डाल के, कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। तो यहाँ पे इसके फिलिंग के लिए ये डाल देंगे थोड़ा सा बस इस तरह से, तो वेज की फिलिंग डाल के तो इसको यहाँ पे फोल्ड दे देंगे, 2 फोल्ड दे देंगे, और उसके बाद नीचे से यहाँ से कट्स लगा लेंगे। इसे कट्स लगा के तो अब यहाँ पे फोल्ड कर देंगे हम, तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनेगा, डिज़ाइंस आ जाएगा, और ये जब ब्रेड बेक हो जाएगी उसके बाद ज़्यादा वाजिया नज़र आएगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। वेज ब्रेड को शेप देने के बाद इसे ब्रश कर लेंगे ऑयल ब्रश, नहीं तो ये ड्राई हो जाते हैं।
जो डो हमने ली थी उसके छह पार्ट्स बने थे, यानी छह पेड़े बने थे। तो फिर तीन तीन एक एक पैन में मैंने रख दिए। अब बेक करने से पहले इन्हें डबल राइस करेंगे 15-20 मिनट के लिए, और ऊपर से एग ब्रश अच्छी तरह करना है, नहीं तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। जब बेक हो जाता है तो बेकिंग के बाद क्रैक्स आ जाते हैं। और तीन तीन मैं कह रही थी, तीन नहीं है बल्कि चार एक पैन में रखें और तीन एक पैन में। तो अब इसे डबल राइस के लिए 15-20 मिनट देंगे। वेज ब्रेड को हमने रेस्ट के लिए स्टे दिया था कि ये राइस हो जाए, डबल राइस हो जाए। तो माशाल्लाह से डबल राइस हो गई। अब बेक करने से पहले एग ब्रश करेंगे इसमें खूबसूरत सा कलर लाने के लिए। एग ब्रश कर लिए और एग ब्रश करने के बाद थोड़ी सी कलवंजी ऊपर से डाल देते हैं। बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है हमारी ब्रेड, वेज ब्रेड। तो पतीले को मैंने प्री हीट कर लिया है। प्री हीट करना बहुत लाजमी है, और ऊपर से कवर करके पतीले को ऊपर से ढक्कन अच्छी तरह से लगा के तब प्री हीट किया जाता है, और तभी वो ओवन की जो है वो हीट उसमें होती है, टेम्परेचर जो है वो ओवन की तरह सेट होता है उसमें। तो अब इसे बेक कर लेंगे पतीले में। तो इस तरह से 15-20 मिनट हो गए प्री हीट के लिए रखी हुई है कढ़ाई, और इसको ऊपर से बिल्कुल कवर करके कि हीट जो है वो बाहर ना आए। अब प्लेट जो है बेक करने से पहले रखनी है। अगर शुरू में ही प्लेट रखते हैं तो प्लेट ज़्यादा गर्म हो जाती है और नीचे से जल जाता है, जो भी आप बेक कर रहे हो, केक हो, ब्रेड हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे आप इसको ऊपर से कवर करेंगे। तकरीबन 25 मिनट हो गए, तो चेक करते हैं ब्रेड को। तो ये देखिए माशाल्लाह से कलर चेंज हो रहा है। तो थोड़ा सा बस 2-3 मिनट के लिए और बेक करेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। 2-3 मिनट गुजर चुके हैं मज़ीद, तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत कलर आ गया। तो ब्रेड हमारी बेक हो चुकी है, इसे निकाल देते हैं। तो वेज ब्रेड माशाल्लाह से हमारी बेक हो गई है, और बहुत ही अच्छे से बेक हुई है। और जब ये बेक हो रही थी तो यकीन मानिए इस तरह से खुशबू आ रही थी जैसे बेकरी के पास से गुजरे तो बेकिंग की खुशबू आती है, बिल्कुल उसी तरह से। और ये देखिए सॉफ्ट कितनी है, और ये वही ब्रेड है जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ठीक ठाक एक्सपेंसिव मिलती है, और मैंने बिल्कुल आसान और सादा तरीके से घर पर बनाई है। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, बैक साइड से भी और बैक साइड से भी सॉफ्ट, और कलर भी बहुत खूबसूरत दोनों साइड से आया है। मैं इसको अंदर से ब्रेड में चेक कराती हूँ आपको। ये देखिए क्या खूबसूरत ब्रेड है, और बहुत ही अच्छे से कलर आया है। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।